करनाल को साफ सुथरा व सुंदर शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करवाए जा रहे विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए अतिक्रमण को हटवाने में व्यापार मंडल पूरा सहयोग दे। अधिकारी आते जाते रहते हैं, यह शहर आपका है, इसे स्मार्ट बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। यह बात डीसी निशांत कुमार यादव ने कही। आपको बता दें कि उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय करनाल के सभागार में हरियाणा व्यापार मंडल करनाल इकाई की बैठक में व्यापार मंडल से जुटे प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करनाल शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर जोरों से काम चल रहा है। इसमें सेक्टर 12 स्थित एमसी भवन में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेक्टर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके तहत शहर के भिन्न भिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना होगी। वॉयलेशन करने पर ऑटोमेटिक चालान होंगे। यदि कहीं संदिग्ध वस्तु रखी होगी तो उसे भी कैमरे कैप्चर करके उसका अलर्ट कंट्रोल रूम में भेजेंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत शहर में 25,000 स्मार्ट एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। यदि लाइट खराब हो जाएगी तो इसकी सूचना भी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूजेसी के पश्चिमी फ्रंट पर साबरमती नदी की तर्ज पर पिकनिक स्पॉट्स बनाया जाएगा। जल्द ही इसका टेंडर लगेगा और काम शुरू होगा। करण लेक की पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए रीडेवलप करेंगे। इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में गुजरते एनएच पर स्थित झिलमिल ढाबे से लेकर नमस्ते चौक तक करीब 8 फ्लाईओवर के नीचे ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। इसके अलावा शहर के करीब 80 पार्कों में ओपन एयर जिम बनाए जाएंगे। बैठक में व्यापार मंडल करनाल इकाई की प्रधान तनेजा ने कहा कि सेक्टर 16 मंगलपुर में बने व्यापारियों के गोदामों को तोड़ने पर रोक लगाए। इसी प्रकार महासचिव हरप्रीत सिंह हैप्पी ने व्यापारियों की ओर से मांग व समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखते हुए बताया कि 20 लाख रुपए से ऊपर के व्यापारी को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग का इंतजाम हो। और हमारे प्रधान श्री कृष्ण लाल तनेजा जी ने मुख्य रूप से ये मुद्दे को रखा था और विस्तार में चर्चा भी हुई। उनको ये बोला गया भी इस चीज़ का कुछ प्रावधान होना चाहिए कि चलो किसी ने बना लिया है, कॉलोनी बनी है या शोरूम बना है तो व्यापारी है, इतनी मुश्किल से पैसा कमा कर वो बनाता है। पर ये तो नहीं कि आप बिना बताए चलो हो गया, तो आपको तो रिकवरी से मतलब है ना जी। आप रिकवरी लो, आप उसको सील कर दो और उसके ऊपर पेनल्टी डाल दो। पर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उसको ध्वस्त कर दो, अंदर सामान है वो ध्वस्त कर दो और वो एकदम पटरी पे आ जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने सुना और उन्होंने अपने बताया भी कानून के अंदर थोड़ा अब ऐप्स बनाई हैं और आगे से ये नहीं होगा, आगे विचार भी कर। तो बिल्कुल एसोसिएशन थी जो कि सभी शहर के पूरी वहाँ गैदरिंग थी डीसी साहब के साथ। आज हमारे कई मुद्दे रहे जिससे कि व्यापारियों को ऑनलाइन जो हमारा लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस उसको वहाँ व्यापारी को जाने में कमेटी में 5-5 दिन 10-10 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी वो नहीं बन पाता। इस प्रकार से उनको भी हमने कहा भी इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जो फीस होगी उसको ऑनलाइन जमा करा दिया जाएगा। इस प्रकार की और मुद्दे जिस प्रकार से कि ये मुगल कनाल के ऊपर पार्क है और पार्किंग कम है, पार्क ज़्यादा है और पार्किंग कम है। जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्किंग बनी हुई है उसको पार्क को खत्म करके वो पार्किंग की जाए, क्योंकि पार्क का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका पार्क का कोई इस्तेमाल नहीं। वो शराबी शरूबी लोग वहाँ ताश खेलते हैं और वहाँ आकर बैठते हैं, उसका कोई यूज नहीं। पार्किंग की बहुत वहाँ बड़ी समस्या है। इसके बाद वहाँ एक जो हमारे शहर में रेड लाइटें लगी, 22 रेड लाइट लगी हैं इस टाइम, और जो उन रेड लाइट को पहले रेड होती है, अगली रेड ग्रीन होती है, अगली रेड होती है, इस प्रकार से उनका चैन सिस्टम जिस प्रकार से दिल्ली का है भाई, आप एक को ग्रीन मिलेगी, अगला सिग्नल ग्रीन मिलेगा, अगला सिग्नल ग्रीन मिलेगा, इस प्रकार से वो व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी कल हमने ट्रैफिक इंचार्ज से भी बात करी थी तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाई इसकी हम समस्या का हल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी समस्या है जिससे कि रेड लाइट पे जाम लग जाता है, उससे ज़्यादा जाम लगता है। इस प्रकार से और हमारे मुद्दे हैं जो कि ये लैट्रिन बाथरूम स्मार्ट सिटी के बने हुए हैं, कम से कम 50 करनाल के अंदर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनके करोड़ों रुपए सभी पर ताले लटके हुए हैं, सबके ताले लगे हुए हैं, उनके अंदर गंदगी हो चुकी है, सड़ चुके हैं। क्योंकि हमें याद है करनाल यूनिट की
जो कम से कम 52 और 53 ट्रेड एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आज उपायुक्त महोदय को सेक्रेटरी में जो कॉन्फ्रेंस हॉल उसमें मिले। आपने जैसे कहा कि जो विशेष मुद्दे रहे, तो जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप ये कहिए पार्किंग का इशू हुआ, जिसके अंदर ये जो रेड लाइट्स लग रही हैं, क्रॉसिंग की लाइट्स है, एनक्रोचमेंट के बारे में सारे मुद्दों पर बात बहुत खुले से चर्चा हुई। और जहां हमने व्यापार मंडल की तरफ से पूरी एसोसिएशन का सहयोग प्रशासन को कहा, वहाँ ये भी रखा कि व्यापारियों की समस्याओं का भी समाधान करे। सबसे बड़ी बात जो आज की मीटिंग के अंदर आई, जो आज ये मीटिंग हुई है, इसकी कंटिन्यूटी बनेगी और आए 2 महीने इस तरह की मीटिंग, एक प्रॉपर एजेंडा जो है ये प्रशासन। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।